नहीं किड़ा हाल है कुछ नालो छाए तो आंजो दिलशाद दिलशाद उर्दू अच्छे तो ना अच्छे तो ये बताओ कि ये आपने क्या उठाया हुआ है कच्ची गरी है तो कभी नारियल देखा आपने नहीं कभी नहीं देखा नहीं कोकोनट देखा है कभी नहीं कोकोनट भी कभी नहीं देखा नहीं। नारियल भी कभी नहीं देखा और कच्ची गरी देखी है अच्छा ये जो कच्ची गरी है ये किस चीज़ के दरख्त के ऊपर लगती है इसका दरख्त किस चीज़ का होता है जैसे खजूर होता है ना हाँ खजूर ये खजूर के दरख्त के ऊपर लगता है हाँ अच्छा तो वो उसी में से निकलता है खजूर के अंदर से ही निकल जाता है ये अच्छा खजूर के अंदर से ये निकलता है जी। अच्छा गुठली की जगह ये होता है जी फिर ये बड़ा कैसे हो जाता है सही जब खजूर निकल जाती है ना हाँ जो गुठली होती है ना हाँ वो आस्ता आस्ता बड़ी हो जाती है फिर उसी के अंदर से पानी आ जाता है उसके अंदर से पानी आ जाता है वो पानी तुम्हारे पास है दिखाओ मुझे ये सही कितने का है ये 50 रुपये का अच्छा ये किसके अंदर से निकला है सही ये खजूर की गुठली के अंदर खजूर की गुठली के अंदर से अच्छा 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 मुझे ये बताओ और कौन कौन से फलों के नाम आपको आते हैं आलू प्याज टमाटर और मिर्चा गोभी बंद गोभी अच्छा वो भी बंद गोभी ये सारे फ्रूट हैं हाँ। अच्छा ये जो साई है ये बालों वाला जिसके बालों में बम फटा हुआ है ये भी तुम्हारे साथ है क्या हाँ जी हाँ जी इधर आ जाओ भाई कैमरे के सामने आ जाओ जरा आप छोटे हो या ये छोटा है ये बड़ा है ये बड़ा है ये आपका बड़ा भाई है ये नहीं हमारा मकसद ये है कहने का ये पहले पैदा हुआ था ये आप पहले पैदा हुए थे पहले ही दुनिया पे आया सीखा है अच्छा मुझे ये बताओ कि आप भी नारियल बेचते हो अच्छा नारियल कैसे दिए आपने ये नारियल पकड़ा और ऐसे दिया नहीं 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 मेरे कहने का मकसद ये है कि कैसे बेचते हो आप मुझे थोड़ा सा आप बताओ कैसे आवाज़ लगाते हो नारियल की नारियल 50 की 10 की नहीं नहीं ये तो आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही दूर कैसे पहुंचेगी थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो कच्ची नारियल नारियल अच्छा कभी किसी अच्छा मुझे ये बताओ कभी कोकोनट भी बेचा है आपने नहीं कोकोनट कभी नहीं बेचा नहीं नारियल ही बेचते हो कच्ची गरी भी बेचते हो नारियल भी बेचते हो कि नहीं नारियल सूखा बेचते हैं सूखा बेचते हैं ये कच्ची गरी है अच्छा ये कच्ची गरी इसको पकाते भी हैं कभी आपने इसका सालन खाया नहीं खाया सालन कभी भी नहीं खाया अच्छा मुझे साई ये बताओ आज दिल कर रहा है बनाने का आज इसका सालन बनाओगे अच्छा ये बताओ कि आपकी शादी हुई है बताओ कि आपकी शादी हुई है आपको पता है सुहागरात किसको कहते हैं किसी को कोई नहीं पता अच्छा ये बताओ मुझे कि आपने इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें बेची क्या क्या काम किया आज तक आपने बस यही बेचा यही बेचा है नारियल और कच्ची गरी बेचा है अच्छा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सारे पैसे हों तो आप क्या करोगे घर बैठे रहोगे खर्चा खर्चा उन्हीं से चलता रहेगा ओके अच्छा मुझे ये बताओ कि सारा दिन में ये आपकी कच्ची गरी बिक जाती है रोजाना आप कितनी कच्ची गरी बेच लेते हो 1000 रुपये की 1500 रुपये की अच्छा 1000 रुपये की चलो 1500 रुपये की जो आप बेचते हो इसमें आपको बचते कितने हैं 700-800 रुपये 700-800 रुपये बच जाता है कितने घंटे काम करते हो 24 घंटे यानी 24 घंटे नारियल बेचते हो हैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ और 7 बजे जाता हूँ अच्छा ये 7 बजे से लेकर रात 7 बजे तक 24 घंटे बजते हैं अच्छा ये तो स्कूल भी पढ़ा आपने कि नहीं स्कूल नहीं पढ़ा स्कूल जाने का शौक है स्कूल जाने का शौक है किस लिए नारियल बेचने के लिए या पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए नारियल बेचने के लिए नहीं कभी स्कूल के आगे भी नारियल बेचा नहीं अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको कोई गाना आता है सिंधी में कोई गाना सुनाओ नहीं आता सिंधी में गाना नहीं आता चलो पंजाबी में सुना दो गाना सुनता ही नहीं गाना नहीं सुनते हो डांस सुनते हो डांस सुनते हो नहीं डांस भी नहीं सुनते हो गाना भी नहीं सुनते हो अच्छा कुछ तो सुनाओ ना कोई लतीफ़ा सुना दो नहीं आता अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ ये जो आपके कस्टमर हैं कच्ची गरी खाने वाले उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहोगे जी क्या बोलो बोलो इस टाइम आपको पूरी दुनिया देख रही है बोलो क्या कुछ भी जो पैगाम आप देना चाह रहे हो कि मुझसे कच्ची गरी लिया करो नहीं लिया करो छोरी देना कच्ची गरी भी अच्छा मुझे एक और बात बताओ ये कच्ची गरी आप लेते कितने की हो 250 अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? दिलशाद। दिलशाद नाम है, क्या करते हो? नारियल बेचता हूँ। नारियल बेचते हो, ठीक है। कच्ची गरीबी कभी बेची है कि नहीं? नहीं। कोकोनट? नहीं, वो कभी नहीं बेचा, सिर्फ नारियल ही बेचते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, ये नारियल आप कहाँ से लाते हो? कराची से। कराची से लेके आते हो आप यहाँ पे? तो एक जो नारियल होता है आपको कितने का पड़ता है? 200 का। 200 रुपये का एक नारियल, फिर उसमें से कितने पीस बनाते हो? 300 का। ये 200 का ला के 300 का बेचते हो, दिन में कितने नारियल बेच देते हो? 20 नारियल बेच लेते हो? 10 बेच लेते हो। 10 नारियल कितनी घंटे कितनी देर में बेच लेते हो आप? 24 घंटे। 24 घंटों में बेच लेते हो, यानी 24 घंटे आप नारियल बेचते रहते हो, सोते नहीं हो क्या? नहीं। हैं? नहीं। यानी 24 घंटे नारियल बेचते हो, सोते नहीं हो? ये आपने बहुत बड़ी छोड़ नहीं दी, जो मर्जी दिल में आए बोल दिया हैं? अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, कोई और काम क्यों नहीं करते हो, कहीं नौकरी क्यों नहीं करते हो आप? नौकरी? अच्छा बताओ आप नौकरी क्यों नहीं करते हो? नौकरी किसी की गुलामी होती है। नौकरी किसी की गुलामी होती है? वाड़े, ये तो तूने बहुत बड़ा प्लाजा उठाया हुआ अपने हाथ में। नौकरी किसी की गुलामी है? नौकरी किसी की गुलामी है, तो ये क्या है? ये अपना है। ये अपना, ये थाली अपनी है? ये तो टोटली 600 रुपए की नारियल है और ये तेरी अपनी हो गई, ये बहुत बड़ा कारोबार है तेरा क्या? बस जैसा भी है, छोटा सा कारोबार अपना अपना होता है। अपना अपना होता है। आप नहीं समझते हो कि अगर आप कहीं मुलाजमत करोगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आप पुरसकून अंदाज से हर चीज़ जो भी आपका दिल चाहेगा बाजार से लेके खा सकोगे? नहीं। हैं? नहीं। क्यों क्यों नहीं बोलो? आप समझते हो कि इसमें आप पुरसकून हो? शादी हुई है आपकी? नहीं। शादी नहीं हुई? शादी करोगे? नहीं। शादी नहीं करूँगा। कब करोगे फिर? 2-3 साल बाद। किस से करोगे, लड़की से लड़के से? लड़की से करोगे? लड़के से करने का कोई चांस नहीं है। अच्छा जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर भी आप यही काम करोगे? जी। अच्छा आप अपने बच्चों को ये काम सिखाओगे? नहीं। अपने बच्चों को ये काम नहीं सिखाओगे? नहीं। क्यों? आप नहीं चाहते कि वो भी आपकी तरह अमीर बन जाए? नहीं। आप नहीं चाहते हो? नहीं। कंजूस हो? हाँ। आपके भाई यही काम करते हैं जी। आप अपने भाइयों को सिखा रहे हो काम और बच्चों को नहीं सिखाओगे? नहीं। अच्छा बच्चों को आप कौन सा काम सिखाओगे? बच्चों हैं? उनका जो दिल करेगा वो काम सिखाऊंगा। लेकिन नारियल वाला नहीं? नहीं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।